अब आपको एक बेहद हैरान करने वाली जानकारी देते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि टीआरपी के खेल को किस तरह कुछ प्राइवेट चैनल प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चैनलों में से एक नाम रिपब्लिक टीवी का भी है। रिपब्लिक टीवी हाल ही में नंबर वन टीआरपी लाने वाला चैनल बना। इस चैनल का नाम आपने सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई दफा सुना होगा। चैनल पर खबर के जगह सनसनी फैलाने के आरोप लगे। पहले हम आपको परमबीर सिंह की बात सुनवाते हैं। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशियस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। टीआरपी मालूम करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में टीवी या सेट टॉप बॉक्स के साथ एक डिवाइस लगाई जाती है, इसे कहते हैं पीपल्स मीटर। किसी इलाके में लगे कुछ पीपल्स मीटर की रीडिंग को उस पूरे इलाके की रेटिंग माना जाता है। भारत में ये काम करने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म बीएआरसी का ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसा कि परमबीर सिंह ने बताया, पीपल मीटर या बैरोमीटर कहां लगे हैं ये ना तो दर्शक को बताया जाता है ना ही चैनल को, ताकि जो भी रेटिंग आए वो बिल्कुल स्वाभाविक पसंद को दर्शाए। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसी गोपनीयता के सिद्धांत में घपला हुआ है। पीपल मीटर लगाने का काम मिला था हंसा नाम की कंपनी को। इसके कुछ पूर्व कर्मचारियों ने टीवी चैनल वालों को बता दिया कि मीटर कहां लगा है, किसके सेट टॉप बॉक्स में लगा है। इसके बाद चैनलों ने मीटर वाले घरों को 400 से 500 रुपए देकर कहा कि आप फलाना चैनल चालू रखिए। फलाना कौन? मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक तीन चैनल, मराठी चैनल फकत मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी। फकत मराठी और बॉक्स सिनेमा के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपब्लिक टीवी के प्रमोटर, इन्वेस्टर और डायरेक्टर की भूमिका की जांच हो रही है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पैसा भी बरामद हुआ है। इस मामले में बार्क और हंसा ने मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज हुआ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत, यानी धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पुलिस पैसे देने वालों और पैसे लेने वालों दोनों से पूछताछ करने वाली है, ताकि ये पता चल सके कि इस धोखाधड़ी में शिकार कौन है और धोखेबाज कौन। ये जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी दी गई है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी ने भी अपना पक्ष रखा। कहा कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह रिपब्लिक टीवी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं, और इसकी वजह यह है कि चैनल ने उनसे सुशांत सिंह मामले में सवाल किए। आगे अर्णव कहते हैं कि पालघर के चलते मुंबई के पुलिस कमिश्नर ये बदला ले रहे हैं, जबकि पालघर का मामला अलग है। गोस्वामी ने कहा कि हम मानहानि का दावा करेंगे। वैसे गोस्वामी के इस बयान पर कई लोगों ने कहा कि अगर मानहानि के दावे की बात है तब तो सबसे ज्यादा मुकदमे उन्हीं के खिलाफ होने चाहिए। फिर तो जनता ने फेसबुक और ट्विटर पर जो मार मचाई। लोगों ने कहा हमें पहले ही शक था, 420 कहा गया, गिरफ्तारी की मांगे उठी, I am sorry बाबू कहा गया, टीआरपी चोर कह के पूछा गया कि टीआरपी कितने में खरीदी, पूछता है भारत। तो फिर चैनल की ओर से भी मानहानि की गीदड़ भभकी आई। तो लोगों ने कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के एक स्टेटमेंट पर अगर तुम लोग मानहानि का केस करने जा रहे हो तो सोचो रिया चक्रवर्ती कितने केस करेगी। Ha ha ha.